भक्ति का प्रसार, गीता का प्रसार करने वाला भगवान कहते मेरे को प्यारा लगता है, क्योंकि इससे जीव का कल्याण होता है। इस बात भगवान खुश बहुत होते हैं। जितने ही लग जाए भजन में उतने भगवान राजी होते हैं। बोला आपका माल बिकता राजी होते हो नहीं? जैसे भगवान का माल बिक्री हो रहा है, ग्राहक ले रहे हैं, तो भगवान के बहुत नफा हो रहा है। कलयुग के समय में भगवान चर्चा करते भगवान की, तो ऐसे भगवान का मौका अपने को मिल गया है। कलयुग समझो जो आ रहा है, कोई दुख है ही नहीं ऐसा। गाय राम गण गण विमल, भगवान गा करके भोतरे बिना प्रयास बिना प्रसाद उद्धार हो जाए, ऐसा सुंदर मौका भगवान ने दिया है। तो वो मौका पा करके अब दरिद्र मत रहना भाई। गुरु मिलिया दातार, ऐसा मौका मिल गया, अब दरिद्र नहीं रहना। अब तो माला माल बन जाए। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने नाम नाम धन होए। ये जिसके पास धन है वो धन हो तो धन सब। यहाँ बैम पड़ गया हमारे पास, रुपया में मर जाओ तो कौड़ी एक साथ में नहीं। सपने की सोम और से कौड़ी ने कहा, ये तो सपना सो हो जाए वैसे कुटुम्ब धन सपने जैसे हो जाएगा भाई। ये कोई साथ चलने की चीज थोड़ी है। भजन करो वो साथ चलेगा, वो अपना कोई दूसरा ले नहीं सकता। कल भी मैंने सुनाया था कि भाई ले नहीं सकते, बंटवारा नहीं कर सकते, राज ले नहीं सकता, टैक्स लगता नहीं, साथ में चलेगा, भार बोझा होता नहीं और अपना कल्याण होता है। जहाँ भजना में जाएगा वहीं आदर होगा। भगवान के भजन करने वाले जिस लोक में जाए उन्हें लोग ही राजी हो जाएगा। अरे भगवान के भक्त आए, समझे? जैसे रामायण में आया है ना, वे बदलों को देख मोर नाचते हैं। विष्णु भक्त के जैसे गृहस्थ अच्छे होते हैं और भगवान का भक्त आ जाए तो सब गृहस्थ नाचने लग जाते हैं, विष्णु भक्त कहते। ऐसे भगवान के भजन से कितने सज्जन राजी होते हैं। अरे कितना उपकार, उनके राजी करने का उपकार है। मतलब पैसा लोग खर्च करते हैं क्यों? कि दूसरे हुए राजी हो जाए और अपने भगवान राजी हो जाए। फिर अरे उस भजन से भगवान और भक्त सब राजी हो जाते हैं। ऐसी विलक्षण बात है, ऐसा सुंदर मौका मिला है। बहुत ही मौका बढ़िया मिला है। चलते फिरते उठते बैठते हरदम याद करो और मांगो एक ही, सब कर मांगे एक बलराम शरण रति हो। भगवान के शरण में प्रीति हो जाए, एक ही मांगा और कोई मांग नहीं। क्या करें? कहा मांगो कसो थिर ना रहा है, देख तो नैना चलो जुड़ जाए। क्या मांगे? कोई थिर रहने वाले काची काया मन अथिर, फिर से काम करो। काची का यार मना था, क्या मांगे? मांग एक भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान के चरणों का प्रेम, इसके समान कोई दूसरी चीज नहीं है। और ये अभी मौका आया हुआ है, खूब उत्साह से भगवान में लग जाए। भगवान मेरे हैं, ये मेरापन है ना, ये प्रेम पैदा करता है। प्रेम के लिए बहुत प्रश्न आते हैं, लोग चाहते भी हैं और पूछते भी हैं कि प्रेम कैसे हो। तो प्रेम क्रियाओं से पदार्थों से नहीं होता है, प्रेम होता है भीतर से। वो भीतर से प्रेम किसका होता है? जो अपना मानता है। अपनी फटी हुई जूती भी अपनी अच्छी लगती है, फटा हुआ कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है। तो भगवान को आप अपना मानो, है ना, तो मैं आपका हूँ। तो फिर हम काला कलूटा कैसा ही हो, छोटे माताएं है ना, कोई छोरा काला होता है, ऐसे निकमा होता है, थोड़ा ऐसा ही है। अरे माँ से पूछो, इसकी माँ से पूछो कैसा आ गया। वो सट गोदी में ले प्यार करती है। बहनों माताएं कोई कुरूप होती है, गहरा कपड़ा बढ़िया नहीं है, पर बच्चे को पूछो सट गोदी सर मेरी माँ है। तो मेरापन प्यारा बहुत लगता है। वो सुंदर है असुंदर है, बढ़िया है घटिया है नहीं है, मेरी माँ है। मेरी माँ, माँ देखती मेरा बच्चा, आनंद आता है। ऐसे ठाकुर जी हम हैं, हमारे ठाकुर जी है। ठाकुर जी मीठे लगने लग जाएंगे। बीना भाई को और क्या था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई मेरा नहीं है, ठाकुर जी मेरे हैं। तो ये मेरापन है ना, ये बड़ा मार्मिक चीज है। भगवान का प्रेम पैदा होने के लिए भगवान मेरे, एक शर्त है इसके साथ, सो प्रिय जाके गति न आन की और नहीं, और मेरा कोई नहीं है। काम सबका करो, सेवा सबकी करो, पर अपने लिए किसी को मत मानो। अपने लिए कोई नहीं, अपना कोई नहीं है, अपने लिए कोई नहीं है, समझे। हमारा तो भगवान ही है। और बढ़िया बात है, भगवान भी अपने लिए नहीं, भगवान के लिए मैं हूँ। भगवान से भी लेना नहीं है, भगवान को तो अपने आप को देना है, सुपुर्द कर दो। लेता कुछ है नहीं तो भगवान एहसान बंद हो जाते हैं। एक भक्त था भगवान का, वृंदावन गया। एक सुनी हुई कथा है मेरी। वृंदावन गया तो बिहारी जी के दर्शन करने को जाते हैं, सब दर्शन करते हैं, वो कहता है मेरे को दर्शन नहीं हो रहे। ठाकुर से प्रार्थना करी कि महाराज सबको दर्शन होते हैं, मेरे को बिहारी जी के दर्शन होने चाहिए। दर्शन नहीं हुए तो उसने रोटी नहीं खाई कि ठाकुर जी दर्शन सबको देते हैं, मेरे को नहीं दर्शन देते। 3 दिन हो गए, दर्शन हुए नहीं। तो 3रे दिन विचार किया कि प्राण दे डाला, ठाकुर दर्शन मेरे को देते नहीं, मैं बड़ा पापी हूँ। रात्रि को आधी रात उठ करके वहां से चला, जमुना जी में जा डूब कर मर जाऊंगा, दर्शन नहीं देते ठाकुर जी। तो वो जाने लगा तो ये रास्ता है परिक्रमा में, उसमें कोढ़िया बैठा थे उसी रास्ते पर। तो कोढ़िया को सपना दिया कि आज कोई रात्रि में आवे उसके तुम शरण पकड़ लेना, तेरी कोढ़ दूर हो जाएगी। देखता तो हुआ आ गया, आगे पैर पकड़ लिया कि मेरी कोढ़ दूर कर दो। वो कहते मैं बड़ा भारी पापी हूँ, ठाकुर जी मेरे को दर्शन नहीं देते, दुनिया को दर्शन होते हैं, बिहारी जी को मेरे को तू छोड़ देगा। नहीं छोड़ूंगा नहीं महाराज, ज्यादा क्या बढ़ा है बात, बहुत झंझट हुआ। अंत में उसने कहा आप कह दो कि तेरी कोढ़ मिट जाए। वो कहते झूठ कैसे कह दो, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं। उसने कहा कि छोड़ूंगा मैं नहीं, ये तो कहना ही पड़ेगा। और कह दिया अच्छा भाई तो जाओ, झंझट मिटाने के लिए अपने में सकते नहीं कि तेरी कोढ़ दूर हो जाए। हमारे उसे अंगुलियां और साफ हो गई, ठीक एकदम ही। तो आज की बात क्या है, पूछी क्या बात है। महाराज मेरे को सपना हुआ, अरे ठाकुर जी ने कहा कि यहाँ आवे उसको कह देना, अरे कहने से कोढ़ दूर हो जाएगी। तो उसने देखा भी ऐसी बात है तो आज नहीं मरेंगे, पीछे चला गया। अब ठाकुर जी के दर्शन हो गए, मंदिर में गया तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तब तो प्रार्थना करी कि नाथ क्या बात है, आज तक दर्शन नहीं दिए। तो ठाकुर जी ने कहा अरे तू मेरा दास बन गया, मेरा भजन करता बन, तू मांगता कुछ भी नहीं, तो सबके सब मेरे पर ऋण हो गया, मुंह कैसे दिखाऊं तेरे को, मैं तो हो गया ऋणी। ऋणी साहूकार कैसे मुंह दिखावे। आज एक कलम आएगी इसका कोढ़ दूर हो जाए। तो इतने में इतने ठीक है, एक तो मांग करी उसने तो तेरे को मुंह दिखाया है। तो ठाकुर जी से मांगे नहीं, ठाकुर जी से मिले नहीं। नारायण 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 नारायण।